हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। न्यू वीडियो स्टार्ट करने से ये वीडियो में हम बेसिकली लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 110 का जो थर्ड प्रॉब्लम था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मिनिमम सेकेंड्स टू इक्वलाइज अ सर्कुलर एरे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। बट उससे पहले आई वॉन्ट टू से, अगर इन दिस चैनल इफ़ यू वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम टॉपिक या कोई वीडियोज चाहिए किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन। आई एम रेडी टू गेट योर सजेशंस। ओके, मैं आपके सजेशंस को देखूंगा एंड जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, वो ऑब्वियसली जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है वो मैं करूँगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? हमें एक सर्कुलर एरे गिवन है एन लेंथ का। ओके, एंड हमसे क्या बोला गया है, हम किसी भी एलिमेंट, सपोज आई एम एट इंडेक्स आई, आई कैन चूज एनी इंडेक्स आई, मैं किसी भी इंडेक्स आई को चूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 0 से लेके एन माइनस 1 के बीच में हमारे आई इंडेक्स होने वाला है, जो भी वैलिड इंडेक्स आई को चूज़ कर सकता हूँ। एंड उसकी वैल्यू को या तो नम्स आई, या तो नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस एन मॉड एन, अभी ये देखेंगे ये है क्या। एंड थर्ड है नम्स ऑफ आई प्लस 1 मॉड एन, इनमें कन्वर्ट कर सकता हूँ एक एट एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे ये तीनों चीज़ें बेसिकली है क्या। तीनों अगर देखोगे ना, सो फॉर दिस पर्टिकुलर आई, आइदर यू कैन मेक इट टू दिस ओनली वैल्यू, जो वैल्यू है वही रहने दो, या तो इससे पहले वाले नोड की वैल्यू या इसके नेक्स्ट वाले नोड या इंडेक्स बोल दो, नेक्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू में चेंज कर दोगे करंट वैल्यू को, यही चीज़ होने वाली है। अभी हम देखेंगे इसको। सर्कुलर एरे में क्या होता है, सर्कुलर एरे का क्या मतलब है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है। हमें एरे गिवन तो होता है, एन एलिमेंट्स आपको गिवन है। सर्कुलर में क्या होता है ना, कि ये भले ही दिया है कि ये फर्स्ट इंडेक्स दिया है, अब हमें नहीं पता स्टार्टिंग इसका क्या है। सर्कुलर का यही मतलब है, सर्कुलर एरे में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, देयर इज नो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके बाद क्या आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है। ऐसे ही सर्कल फॉर्म होता है, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, फिर 0। आई सपोज हमारे पास, अगर मैं 6 एलिमेंट का हमारे पास एरे है एंड उसका सर्कुलर एरे बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आफ्टर जो 5th एलिमेंट है मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाऊंगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया था ना, मैं क्या कर सकता हूँ, एवरी सेकेंड मैं किसी भी इंडेक्स आई वैल्यू को चूज़ कर सकता हूँ एंड उसको या तो इस वाले मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो प्रीवियस वैल्यू है, सपोज ऐसा मैं करता हूँ, या तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के वैल्यू के इक्वल मैं कर सकता हूँ करेंट वैल्यू को। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, या तो कोई भी चेंज ना करूँ, मेरा जो करेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ रहे, वो केस हो गया नमसाई वाला। दूसरा है कि अगर मैं प्रीवियस वैल्यू, उससे पहले वाली वैल्यू क्या है उसके इक्वल मैं बनाता हूँ, तो वो ये केस हो गया नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस एन। आई प्लस एन करोगे ना तो सेम इंडेक्स आई पे आ जाओगे, आई माइनस 1 प्लस एन करोगे तो इसका आई माइनस 1, एक कम, एक पहले, एक प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल आप उसको करेंट वैल्यू को बनाना चाहोगे। एंड ये तो दिख ही रहा है नम्स आई प्लस 1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल आप बनाना चाहोगे। ठीक है, तो हम समझ गए, हम अपने जो, अगर हम, मैं किसी भी आईथ इंडेक्स पे हूँ तो मैं उसकी वैल्यू को या तो नम्स आई के इक्वल मतलब नो चेंज, या तो नम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू या नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, और एक बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आपको सर्कुलर एरे वाले प्रॉब्लम आए, क्या करो, डुप्लीकेट योर एरे एंड ऐड टू द एंड, डुप्लीकेट योर एरे एंड ऐड टू एंड। इसका क्या मतलब है, सपोज कोई एरे आपके पास 2 1 3 4 एंड 2 अगेन, ये आपको
एरे गिवन है, बोला गया है ये एक सर्कुलर एरे है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जब भी सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम हो इस चीज़ को हमेशा दोहराना है, ये चीज़ स्टैंडर्ड रहने वाली है, ठीक है। क्या करो, ये जो एरे सेम एरे को आपको पीछे ऐड कर देना है, सो 21342। सो आपका जो न्यू एरे फॉर्म होगा उसमें 2n एलिमेंट्स होंगे। सपोज़ ये हमारा ओरिजिनल एरे था जिसमें n एलिमेंट्स थे, आपने डुप्लीकेट किया और अपने एरे के पीछे लगा दिया उसको, ठीक है। अब ये प्रॉपर सर्कुलर एरे, अब आप इससे समझ जाओगे सर्कुलर एरे क्या है। सो अब ये जो लास्ट वाला 2 है, इसके बाद क्या है, 2 आ रहा है, जो यहाँ पे क्या हो रही थी, अगर 21432 है, इसके बाद लास्ट एलिमेंट से मैं फर्स्ट एलिमेंट पे जा रहा हूँ, वही चीज़ हो रही है। सो वो सर्कुलर एरे का फुल डेफिनेशन को कायम रखने के लिए हम ऐसा करते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब इस वाले टेस्ट केस के लिए आप बताओ कि मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा सभी एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना है। प्रॉब्लम का गोल क्या था, सभी एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना था ये 3 चेंजेस करके, मतलब ये चेंजेस करके किसी भी ith इंडेक्स की वैल्यू को या तो आप एज इट इज़ रहने दो, या तो प्रीवियस एलिमेंट जो सर्कुलर एरे में होने वाला है उसके इक्वल बना दो, या नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यही 3 ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखो आपके पास इस प्रॉब्लम में आपको ऑब्जर्व कैसे करना था, कि देखना था मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को मैं अगर 2 कर सकता हूँ, अगर मैं इक्वल करना चाहता हूँ सभी वैल्यूज़ को, मेरे पास ऑप्शन क्या है, उन्हीं में से चूज़ कर सकता हूँ ना जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो 21432, सो या तो मैं सारे एलिमेंट्स को 2 बना सकता हूँ, या 1 या 3 या 4 या 2 अगेन हो जाएगा, तो यही ऑप्शन है मेरे पास। अब इनमें से जो मुझे मिनिमम, जिसमें मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लग रहे होंगे या टाइम लग रहा होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा, उसी को मैं चूज़ करूँगा। अब ये फाइंड कैसे करना है, सपोज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, सभी एलिमेंट्स को 2 के इक्वल बनाना चाहता हूँ। सो कैसे होगा, ये 2 तो ऑलरेडी है, ये लास्ट वाला भी 2 है, ठीक है। अब क्या ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है ये जो रिमेनिंग है इनको 2 कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में ये जो वैल्यू है 1, मैं देख पा रहा हूँ 1 का प्रीवियस वैल्यू 2 है, और मैं कन्वर्ट क्या कर सकता हूँ किसी भी ith वैल्यू को, या तो करेंट वैल्यू को रहने दूँ, या प्रीवियस वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ, या नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसके इक्वल कर दूँ। सो 1 का प्रीवियस एलिमेंट 2 है, तो ये फर्स्ट सेकेंड में ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में इन फर्स्ट सेकेंड। सिमिलरली ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, 4 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, क्योंकि इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, और मैं अपने करेंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ एक एट एनी सेकेंड, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा, मेरा एरे कुछ ऐसे बन जाएगा 22322। नेक्स्ट सेकेंड में ये 3 भी कन्वर्ट हो जाएगा, आइधर मैं चूज़ करता हूँ प्रीवियस वैल्यू को इक्वल बनाना या नेक्स्ट, ठीक है। सो 2 सेकेंड्स लगे। अब ये ऑब्जर्व इसमें क्या करना है, इनिशियल क्या था हमारा एरे 21342, ये 222 ऑलरेडी है। अब क्या है, इधर से एक एक सेल हर एक सेकंड में फिल होगा, इधर से एक एक सेल हर एक सेकंड में फिल होगा। सो एक सेकंड बाद ये दोनों 2 में कन्वर्ट हो गए, नेक्स्ट सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। सो हर एक सेकंड में 2 वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक राइट से, मतलब एक लेफ्ट से राइट जा रहा है वैल्यू चेंज करते हुए, और एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है चेंज करते हुए, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो 2 है इनके बीच में अगर एक्स वैल्यूज हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा इन सबको 2 में कन्वर्ट करने के लिए। एक्स वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली आप एक्स प्लस 1/2 इतना टाइम लगेगा। एक्स प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, सो आप डायरेक्टली एक्स बाई 2 करोगे। एक मूव में मुझे पता है कि 2 सेल्स क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो जा रही हैं हमारे 2 में, ठीक है, एक सेकेंड में।
एक सेल फ्रॉम लेफ्ट, एक सेल फ्रॉम राइट होती जा रही है, होती जा रही है। सो हर एक सेकेंड में दो 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 होते जा रहे हैं। सो सपोज हमें एक्स वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली एक्स बाई टू आंसर कहाँ गलत आएगा, जब हमारे पास थ्री वैल्यूज़ होंगे। सो इसमें थ्री बाई टू करोगे तो वन आ जाएगा, लेकिन वन सेकेंड में तो सिर्फ लेफ्ट और राइट की सेल हुई है, ये बीच वाली तो बाकी रह गई थी। सो ये जो थर्ड वाली सेल है वो सेकेंड सेकेंड में, सेकेंड टाइम में कवर होगी। वेट व्हाट, यस, सो ये वाली क्या होगी, सेकेंड सेकेंड में कवर होगी। सो इसीलिए x प्लस वन बाई टू आप करोगे। x क्या है, वो जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये करना कैसे, जो हमारा एरे क्या गिवन हमने लिया था 2 1 3 4 2, इसको हमने कॉपी किया तो सर्कुलर एरे बन गया 3 4 2, ठीक है, सर्कल में। अब ये काम कैसे करेगा, इन दोनों टूस के बीच में डिफरेंस कितना है, तीन एलिमेंट्स है, 2 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 1/4 डाउन जाएंगे, नेक्स्ट सेकेंड में ये 3 डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ इन टू के बीच में कितना डिफरेंस है, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 0 सेकेंड लगेगा। सो अगर मैं पूरे एरे को 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी क्या है 2 ही सेकेंड लग रहा है, अगर मैं पूरे एरे को 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कितना टाइम लग रहा है मुझे मैक्सिमम, मतलब इतना तो लगेगा ही, 2 सेकेंड लगेंगे ही सभी को 2 में कन्वर्ट करने के लिए। सो ऐसे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इन सब में मैक्सिमम मैं चूज़ करूँगा, जो भी टूज के बीच में डिफरेंस मैंने फाइंड किया, मतलब ये सारे सेल्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको 2 में कन्वर्ट करना है। सो ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है, उन सेगमेंट्स में से जो मैक्सिमम टाइम हमें लग रहा होगा ना, उतना ही टोटल टाइम हमें लगेगा सारे एलिमेंट्स को 2 में कन्वर्ट करने के लिए। क्या मैं बोल रहा हूँ समझो, इसको मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2 है। सपोज़ यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहे हैं इन सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए, इनको 2 सेकेंड लग रहे हैं, इनको 1, इनको 0 सेकेंड लग रहा है, ऐसा कुछ है। सो सारे एलिमेंट्स, अरे के सारे एलिमेंट्स को 2 में कन्वर्ट करने के लिए इतना टाइम लगेगा ना, ये है क्या, जितने भी ये सेगमेंट्स को कलर करने के लिए टाइम चाहिए था उन सब में मैक्सिमम फॉर दिस टू, मतलब हर एक कलर के लिए अगर मैं सबको 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 4 सेगमेंट बन रहे हैं, इन 4 सेगमेंट में से जो मैक्सिमम टाइम जिसमें लग रहा होगा वही मेरा टोटल टाइम हो जाएगा इस 2 के लिए। मतलब अगर मैं अपने एरे को 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सो इतना टाइम मुझे लगने वाला है मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ठीक है। सो ये एक वैल्यू के लिए, ऐसे मैं सभी वैल्यूज़ के लिए फाइंड कर सकता हूँ। सो मेरे पास 2 आ गया, 2 के लिए पता चला 2 सेकेंड लग रहे हैं, मेरा एरे क्या था 2 1 3 4 2 1 3 4, ठीक है, 2 के लिए लगे हमें 2 सेकेंड्स। नाउ लेट अस टेक 1, अगर मैं चाहता हूँ सभी एलिमेंट्स को 1 में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो सेगमेंट है ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में, तो इसी में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा पूरे एरे को 1 में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए भी 2 सेकेंड लगेगा। अब देख भी लो 2 1 3 4 है, फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा, इस 2 को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि इसका राइट वैल्यू क्या है 1 है, इस 3 को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि इसका लेफ्ट वैल्यू क्या है 1, 4 को मैं या तो 2 या तो 3 किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि 4 के लेफ्ट में 3 है एंड राइट में 2 है, ठीक है। सो 1 1 1, सपोज 4 को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड ऐसा कुछ दिखेगा अरे, आफ्टर सेकेंड क्या होगा, मैं नेक्स्ट सेकेंड में इस 4 को भी 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, सो 2 सेकेंड लग रहे हैं। सो मैंने यहाँ से देखा सारे एलिमेंट्स को 1 में कन्वर्ट करने के लिए भी कितने लग रहे हैं, 4 प्लस 1 बाई टू,
एक्स फोर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन वन, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है, प्लस वन बाई टू करोगे तो ये आपको दे देगा कितना टाइम लगेगा उसमें, प्लस वन बाई टू जस्ट फॉर ऑड केसेस जो भी हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से वन के लिए 2 सेकेंड, नाउ फॉर थ्री, थ्री के लिए कितना लगेगा, आप देखो ये जो दो थ्री है इन्हीं दो के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, सो इन्हीं को कलर करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टोटल टाइम लगेगा पूरे एलिमेंट्स को कलर करने के लिए थ्री में। सो ये चार एलिमेंट्स हैं, इन चार को कलर करने के लिए 2 सेकेंड लगेगा। सो लकीली इसमें सभी एलिमेंट्स को कलर करने के लिए 2 सेकेंड लग रहा है, सो आंसर हमारा 2 हो जाएगा, मतलब जितने भी लाइक 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। या तो मैं पूरे एरे को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या 1 में, या 3 में, या 4 में। अब मुझे तो पता है टाइम कितना लगेगा, जो भी मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट है फॉर्म हो रहा है उसको जितना टाइम लगेगा उतना ही हो गया 2 में कन्वर्ट करने के लिए। सो सपोज़ ये टाइम दे रहा है y1, ये दे रहा है y2, ये दे रहा है y3, ये दे रहा है y4। अब आप कौन सा चूज़ करोगे, आप तो वही चूज़ करोगे ना जो आपका टाइम मिनिमाइज़ करे। हमें क्या चाहिए, जो मिनिमम टाइम में हम सभी एलिमेंट्स को कलर कर पाएँ। सो मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो टाइम, ये y1 कैसे फाइंड होगा, y1 है मैक्सिमम सेगमेंट को कलर करने के लिए, मतलब दो ये सेगमेंट मैं किसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बीच में जो भी नंबर है, ये जो लार्जेस्ट सेगमेंट है जो फॉर्म हो सकता है हमारे सर्कुलर एरे में बिटवीन दो टू के बीच में। ऑब्वियसली हमेशा आपने कॉपी किया है तो हमेशा दो वैल्यूज आएंगे ही एलिमेंट के किसी भी, जैसे ये हमारा एरे था 2 1 3 4 2 1 3 4 2। अब देखो हर एक वैल्यू एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आ ही रही है क्योंकि हमने कॉपी किया है, दो तो आएंगी। सो आपको ये मैक्सिमम लेंथ सब सेगमेंट का लेंथ पता चली जाएगा, ठीक है। सो हर एक नंबर के लिए जो भी मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट हो रहा है उसमें जो टाइम लगेगा वही टोटल टाइम लगेगा पूरे एरे को उस कलर से कलर करने के लिए। सो ऐसे आपको इंडिविजुअल कलर का टाइम मिल जाएगा, उन सभी इंडिविजुअल टाइम में से आप क्या चूज़ करोगे, मिनिमम टाइम, ओके। सो दैट्स ऑल इस प्रॉब्लम में। अब आते हैं कि हम इसे कोड कैसे करेंगे। सो कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन सूडो कोड मैं आपको बता देता हूँ। सर्कुलर एरे का जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है कॉपी द एरे एंड ऐड टू द बैक, ये आपका ओरिजिनल एरे, इसका कॉपी सेम कॉपी लो और पीछे यहाँ इंसर्ट करके एक न्यू एरे बना दो 2n लेंथ का, ठीक है। जब भी सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम आता है फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, इस वाले केस में हमें क्या फाइंड करना था, हम सभी कलर्स के लिए वी विल ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम टाइम फॉर कलरिंग सेगमेंट। हर एक कलर के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है किसी भी सेगमेंट को कलर करने के लिए वो हम फाइंड करेंगे फॉर एवरी कलर। तो हमारे पास सपोज m कलर्स हैं तो y1 y2 ym ये इतने टाइम्स आ जाएंगे हमारे पास। अगर मैं y1 फर्स्ट कलर से कलर नहीं फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करना चाहता हूँ सभी वैल्यूज़ को, सेकेंड टाइप के एलिमेंट के इक्वल करना चाहता हूँ सभी वैल्यूज़ को, तो इतने इतने टाइम लग रहे हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ऑल। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने जब एरे बना लिया तब आपको दो चीज़ मेंटेन करनी है। जैसे ये मेरा एरे था 2 1 3 4 2 2 1 3 4 2, अब मैं इस एरे में ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, और एक मैं हैश मैप रखूँगा। क्या हैश मैप क्या करेगा, मेरा लास्ट वैल्यू कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ नम साइड 2 पे आ रहा हूँ तो मेरा लास्ट 2 कौन से इंडेक्स पे है वो स्टोर करने के लिए।
तो आप मैप यूज़ कर सकते हो सी प्लस प्लस में, हैश मैप इन जावा एंड डिक्शनरी इन पाइथन। क्या स्टोर करने के लिए? ये स्टोर करेगा किसी भी वैल्यू का लास्ट इंडेक्स क्या था। ओके सो जब मैं इस वाले टू पे हूँ, सो ये है मेरा लास्ट टू का इंडेक्स। अगर मैं इसका इंडेक्स नीचे लिखूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स कितने हैं? इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स हैं, ये इंडेक्स अगर आई हो गया, सो आई माइनस ये इंडेक्स सपोज जे है जहाँ पे लास्ट वो प्रेजेंट था, J-1, इतने एलिमेंट्स होने वाले हैं। और मुझे क्या करना है, सपोज एक्स एलिमेंट्स है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, X+1/2। सो इसमें +1/2 करोगे, सो ये -1 की ज़रूरत नहीं है, -1, +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये फॉर्मूला जो बचेगा वो ऐसे ही बचेगा, I-J/2। जहाँ पे ये क्या चीज़ बता रहा है, I-J/2, ये मुझे करना पड़ेगा, ये बता रहा है इन दोनों सेगमेंट्स, मतलब इन दोनों सेगमेंट्स, ये सेगमेंट अगर मैं लेता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको टू में कन्वर्ट करने के लिए इतना टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, इतना मुझे टाइम पता चल गया। और मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, ऐसे टू के जितने भी सेगमेंट्स हो सकते हैं उन सब में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। सो एक और आप मैप यूज़ कर सकते हो जो स्टोर करेगा हर एक कलर के लिए टाइम, मैक्सिमम टाइम किसी सेगमेंट को कलर करने के लिए। वहाँ पे आप ये अपडेट करते रहोगे। सो ये टाइम अभी लग रहा है इसमें, इस मैप में आप देखोगे उस टू के लिए, सपोज़ ये मैक्सिमम टाइम ऑफ टू जो अभी तक था उससे ज़्यादा है, ये हमें मैक्सिमम स्टोर करना है उसमें, मैक्सिमम टाइम ऑफ टू कॉमा जो भी ये वैल्यू आ रही है I-J/2। ठीक है, सो ये मैक्सिमम टाइम बताएगा क्या, टू कलर से अगर मैं कलर करना चाहता हूँ, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स को टू के इक्वल बनाना चाहता हूँ तो कितना टाइम लगेगा मुझे, वो ये मैक्सिमम टाइम वाले हैश मैप से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे वैल्यूज़ के लिए करना है। सपोज़ मैं इस वाले वन पे आता हूँ, ये रहा मेरा लास्ट वन, इनके बीच में एलिमेंट्स कितने हैं 4, टाइम कितना लगेगा 2, ऐसे ही सभी, ये 3 है ये 3 है, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 3-3 में, ये कितना सेगमेंट है, इनमें 4 एलिमेंट्स है, टाइम कितना लगेगा 2। सो ऐसे ही आपको इस वाले एरे के लिए क्या पता चलेगा, 2 से अगर आप कलर करते हो 2 सेकेंड टाइम लगेगा, 3 से आप कलर करते हो, कलर नहीं, सारे एलिमेंट्स को 3 में कन्वर्ट करते हो तो भी 2 सेकेंड लगेगा, 1 में करते हो तो भी 2 सेकेंड लगेगा, 4 में करते हो तो भी 2 सेकेंड लगेगा। अब इन सब में से जो मिनिमम टाइम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो मिनिमम टाइम इज 2, सो आंसर फॉर 2, 1, 3, 4, 2 इज 2। ओके, एक और एग्जांपल बहुत प्यारा सा था, 1, 2, 1, 2 है। अब इसका देख लो, ये एक सेगमेंट बन रहा है, मैं इसका कॉपी कर दिया। ठीक है, सेगमेंट इसमें एक एलिमेंट है, टाइम कितना लगेगा 1। ठीक है, सो 1 के लिए 1 लगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट फॉर्म हुआ ये 2 और 2 के बीच में, 2 का भी 1 सेकेंड आ गया, नेक्स्ट ये फॉर्म हुआ 1 से 1 के बीच में, फिर 1 सेकेंड आया, अपडेट नहीं करूँगा ना, मैक्स 1 ही है और आ भी 1 ही रहा है। सो ऐसे आप फाइंड करोगे तो आपको यही लिखेगा, मैक्स टाइम एरे में ये दिखेगा। अगर आप सारे एलिमेंट्स को 1 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी 1 सेकेंड, मिनिमम इन सब में क्या है, 1 है, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट टाइम, हर एक एलिमेंट के लिए आप निकालोगे, उन सभी मैक्सिमम सेगमेंट टाइम में से जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसमें नोटिस करने वाली यही बात थी कि अगर मैं सर्कुलर एरे है, सो जो भी दोनों साइड से कलर होते हुए आएंगे सेल्स, सो अगर 2 टूज के बीच में 3 एलिमेंट्स हैं, सो इन 3 एलिमेंट्स को कितना टाइम लगेगा जब 1 सेकेंड में मैं 2 सेल्स को कलर कर रहा हूँ, कलर मतलब कन्वर्ट कर दे रहा हूँ 2-2, ऑब्वियसली 3+1/2। यही लॉजिक था, यही बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना था कि दोनों तरफ से क्या होगा,
एक राइट से सेल कलर हो रहा है या चेंज हो रहा है सेम वैल्यू में, एक लेफ्ट से हो रहा है. सो एट एनी पॉइंट दो सेल्स आपके सेम वैल्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो अगर दो, ये बीच में कितनी वैल्यूज हैं, अगर एक्स वैल्यूज है तो टोटल टाइम एक्स प्लस वन बाई टू लगेगा. सो ऐसे ही हर एक कलर के लिए कितना मैक्सिमम टाइम लगने वाला है, उन सब का जो भी मैक्सिमम सेगमेंट टाइम होगा उन सब में से आप कौन से एलिमेंट को चूज करोगे जो आपका मिनिमम टोटल टाइम दे रहा होगा. ठीक है, दैट्स ऑल. कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट.